हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कल हमने जो वीडियो ट्यूटोरियल किया था उसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विंडोज़ क्लाइंट को हम लोग कैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारी जो नेटवर्किंग होती है उसे जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को विंडोज़ के सारे वर्जन्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं बेसिक नेटवर्क सेटिंग्स पर। और उसके बाद हमने विंडोज़ 10 के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे नेटवर्क कार्ड होता है जो उसमें कौन कौन सी टैब्स होते हैं, जैसे ये था जर्नल, एडवांस्ड, अबाउट, ड्राइवर्स, डिटेल, इवेंट्स, पावर मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क प्रॉपर्टीज पर नेट कनेक्शंस पर जो हमारा इथरनेट नेटवर्क होता है इसको ओपन करते हैं हम जब राइट क्लिक करके। ठीक है, और वहाँ पर हम नेटवर्क कार्ड पर हमारे कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद हमें ये सारे टैब्स शो होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्या है, फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग क्या होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है, 6 क्या है, तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर किसी प्रोटोकॉल को आप लोग ऐड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, और अगर हमारा कोई प्रोटोकॉल हमें ज़रूरत नहीं है उस प्रोटोकॉल को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने विंडोज़ 10 में TCP/IP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया था कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे कि ऑटोमेटिक आईपीज हमारा DHCP सर्वर जो होता है वो जब क्लाइंट्स को असाइन करता है तो उसकी सेटिंग्स कैसे रहेंगी, और जब हम मैनुअली स्टैटिक आईपी एड्रेसेस फिलअप करते हैं तो वो कैसे करना है। तो ये ऑटोमेटिक एड्रेसिंग, यूज़ द फॉलोइंग एड्रेसेस, ये हमने स्टैटिक डाले थे, इसी तरह DNS को हमने डिस्कस किया था। तो हमने विंडोज़ 10 पर करके देख लिया था फ्रेंड्स, बट हमारी विंडोज़ 7 और विंडोज़ XP पर हम कैसे हमारे IPs एड्रेसेस फिल करते हैं और कौन कौन से वहाँ पर प्रोटोकॉल्स अनेबल करने होते हैं, तो ये आज की वीडियो में हम XP और 7 को कॉन्फ़िगर करेंगे और कौन सी चीज़ क्या काम करती है, उसका क्या रोल है, वो पिछली वीडियो में थ्रेटिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस कंप्यूटर हार्डवेयर पर, नेटवर्किंग पर, ट्रबल शूटिंग पर, लिनक्स पर, एथिकल हैकिंग पर, आपको सिक्योरिटीज पर देखने को मिलती रहे और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो उसके लिए थ्रेटिकल पोर्शन हमारा यही रहेगा। आज मैं आपको 7 और XP में कैसे नेटवर्क करना वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो उसके लिए हम अपनी विंडोज़ की XP में चलते हैं और जब हम विंडोज़ XP स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ ये चेक करना। उसके लिए हमारी टास्क बार में अगर ये आइकन्स हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है, दिस वन, जिसका मतलब क्या है कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल्ड है, बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं बट ये नेटवर्क का आइकन यहाँ पर शो नहीं होता। तो पहली बार जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करते हैं तो हमें विंडोज़ XP में कंट्रोल पैनल में जाकर सिस्टम में जाकर
चेक करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे आप लोग, स्टार्ट पर जाएंगे और कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिस्टम पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा टैब है हार्डवेयर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर पर। डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको अलग-अलग जो भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर हमारा नेटवर्क अडेप्टर शो होगा। अब अगर यहाँ पर ये नेटवर्क अडेप्टर के सब ऑप्शन टैब में शो हो रहा है, दैट्स मीन कि ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। अगर आपके ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल्ड होंगे तो आपको अदर डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर इथरनेट अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर, जहाँ हमारा नेटवर्क कार्ड के रूप में शो होगा और उस पे ये येलो क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा हो। तो अगर ये हमें शो हो रहा है तो डेट्स मीन आपके ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल्ड हैं, और अगर नेटवर्क अडेप्टर के अंदर शो हो रहा है तो आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये था कि हमने कैसे ड्राइवर्स चेक करने। अब अगर यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल के थ्रू नहीं आना चाहते तो सेकंड रंग क्या रहता है, आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप डिवाइस मैनेजर पर सिस्टम टूल के अंदर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कीजिए तो हमें ये सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो फर्स्ट था कि हमने चेक करना है कि क्या है जहाँ नहीं। अब हमने कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कंट्रोल पैनल पर दोबारा जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल पर जाइए और यहाँ पर आप नेटवर्क कनेक्शंस पर डबल क्लिक कर दीजिए और इसके अंदर आपको हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा नेटवर्क कनेक्शन शो हो जाएगा। विंडोज 8, 10 में यहाँ पर शो होता है इथरनेट कनेक्शन और यहाँ विंडोज XP में हमें शो होता है लोकल एरिया कनेक्शन। तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, मुझे ये इसका स्टेटस आ गया और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूँगा तो मुझे लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगे। दूसरा ढंग हमारा क्या रहेगा कि आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हमने कल डिस्कस किए थे कि ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग, QoS पैकेट शेड्यूलर और TCP/IP, इन सभी पर चेक होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। और जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हो तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है शो आइकन इन नोटिफिकेशन एरिया व्हेन कनेक्टेड, यहाँ पर क्लिक टिक नहीं हुआ होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका यहाँ पर ये आइकन टास्क बार में शो होना शुरू हो जाता है। और ये अब हमारा सेकंड ऑप्शन होता है नोटिफाई मी व्हेन दिस कनेक्शन हैज लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी। तो ये हमारा ऑप्शन तब शो होगा कि अगर आपके नेटवर्क में कोई इशू है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो लिमिटेड है, जहाँ हमारी बिल्कुल भी नहीं है, नो कनेक्टिविटी। तो आप यहाँ पर TCP/IP पर डबल क्लिक कर लीजिए, चाहे आप TCP/IP सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दीजिए। तो कल की तरह वही सेम दो ऑप्शन आ गए हमारे पास कि फर्स्ट के ऑप्टेन NIP ऑटोमेटिक और ऑप्टेन DNS सर्वर ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा DHCP सर्वर, हमारा डोमेन सर्वर ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को IP एड्रेसेस हमारे असाइन करता है, आपने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ऑप्टेन IP और ऑप्टेन DNS सर्वर ऑटोमेटिक रखने होंगे। बाकी हम मैन्युअली कैसे भरते हैं वो मैं आपको एक बार विंडोज XP में भी दिखा देता हूँ। तो वही सेम स्टेप रहेंगे, आप यूज द फॉलोइंग IP एड्रेसेस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपकी जो भी स्कीम है कि आपके नेटवर्क में हमारे IP एड्रेसेस किस तरह से लग रहे हैं वो उस ढंग के हिसाब से आपने भर देने। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे IP एड्रेस है वो यूनिक रहेगा, वो हर मशीन पर, हर कंप्यूटर पर, नेटवर्क के अंदर हमारा अलग होगा। सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे
और प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस हमारे क्या है कि वो सारे सेम रहेंगे हर एक कंप्यूटर पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आईपी डाल देने हैं और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे, और ये लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन भी क्लिक होना चाहिए, और हम लोग क्लोज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है कि हमने चेक करना है कि हमारे आईपीस जो असाइन हुए हैं उनको, तो आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए, और यहाँ पर आप आईपी कॉन्फ़िग /ऑल, जैसे हमने कल विंडोज 10 में कमांड रन की थी, लिखकर इंटर प्रेस कीजिए। तो आपको आपके नेटवर्क का होस्ट नेम क्या है, उसके बाद आपके सारे आईपीस, ईथरनेट अडेप्टर, लोकल एरिया कनेक्शंस, उसकी कंपनी कौन सी है, मैक एड्रेस क्या है, आपका फिजिकल एड्रेस क्या है, आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सारे शो हो जाएंगे। तो ये था हमारा विंडोज एक्सपी में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी विंडोज 7 की तरफ, और इस मशीन को मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि विंडोज 7 में हम लोग अपनी सेटिंग्स कैसे करें। तो आप जैसे देख रहे हो, ये हमें टास्क बार में हमारा आइकन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खोल सकते हो, और इसमें आगे आप यहाँ से चेंज अडेप्टर सेटिंग्स या लोकल एरिया कनेक्शन, आप इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास हमारे सारे प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, आप TCP/IP4 पर जाइए और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए, वही चीज़ आ गई फिर पहले वाले की, ऑप्टेन ऑटोमेटिक और यूज़ द फॉलोइंग एड्रेस। आप यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस हम रखना चाहते हैं उस तरह से आप फीड कर दीजिए। तो हमने अपने आईपी एड्रेसेस डाल दिए, अब हम ओके पर क्लिक करते हैं, क्लोज पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर फिर क्लोज पर करते हैं, और हमारी सीएमडी में जाते हैं, कमांड में आईपी कॉन्फ़िग /ऑल करके चेक कर लेते हैं कि एड्रेसेस हमारे असाइन हुए या नहीं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, हमारे एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं। अब हमने हमारी विंडोज 7 की जो मशीन है उसे आईपी एड्रेस दिया 192.168.100.13, और जो हमारी एक्सपी की मशीन थी विंडोज एक्सपी, वहाँ पर हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या, ठीक है। तो ये है हमारा 192.168.100.11, और उसका 7 का हमारा जो आईपी एड्रेस है वो है .13। तो हमने इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो हमारी है पिंग, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस 192.168.100.11। तो हम विंडोज 7 में है, इसका आईपी एंड वाला है 13, और हमारी जो विंडोज एक्सपी है उसका है 11। तो हमने जिस मशीन के साथ कम्युनिकेट करके चेक करना है वो हम पिंग के बाद एड्रेस टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपी मशीन पर चलते हैं, देखते हैं क्या इशू है।
तो वो शेयरिंग की है कि इधर हमारा शेयरिंग नहीं ऑन है। हमारी विंडोज एक्सपी में की मशीन है जो विंडोज 7 को पिंग कर रही है, बट जो विंडोज 7 की मशीन है वो हमारे विंडोज एक्सपी की मशीन को पिंग नहीं कर रही है, हमें एरर आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है कि आप या इधर से किसी भी ड्राइव को जहाँ फोल्डर को आप शेयर कर दीजिए। मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया। बेसिकली है क्या कि विंडोज एक्सपी में हमारा शेयरिंग फीचर है जो वो ऑन नहीं है, इस वजह से ये हमें एरर आ रही ही है। वो कैसे ऑन करते हैं वो हम लेटर, ये आई गया। चलो आप यहाँ से इस नेटवर्क को देखिए, हमने शेयरिंग पर क्लिक किया, हमने फोल्डर क्रिएट किया, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। उस पर राइट क्लिक किया हमने, और राइट क्लिक करने के बाद शेयरिंग एंड सिक्योरिटीज पर गए। हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि आप टू एज ए सिक्योरिटी मेजर विंडोज हैज डिसेबल रिमोट एक्सेस टू दिस कंप्यूटर, हाउएवर यू कैन अनेबल रिमोट एक्सेस एंड सेफली शेयर फाइल्स बाय रनिंग नेटवर्क सेटअप विजार्ड। आप इस विजार्ड को यहाँ पर भी ऑन कर सकते हो रन करके। बाकी ये जो है हमारा ये विजार्ड हम तब रन करेंगे जब मैं आपको इसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा कि आईपी असाइनिंग पर, ठीक है। अब हम ये हमारा सब ऑप्शन है, इफ यू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी रिस्क बट वांट टू शेयर फाइल्स विदाउट रनिंग द विजार्ड, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जस्ट अनेबलिंग शेयरिंग पर क्लिक कर देंगे। और फिर ये हमारे ऑप्शन आ गया शेयर दिस फोल्डर और अलाउ यूजर टू चेंज माई फाइल्स। इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके आप अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दोगे। अब अगर हम 7 में जाते हैं और दोबारा हम अगर पिंग लगाते हैं तो हमारा पिंग हो जाएगा। वो इसी वजह से नहीं हो रहा था फ्रेंड कि हमारी एक्सपी में शेयरिंग की कैपेबिलिटी जो फीचर है वो डिसेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो आज की वीडियो में हमने विंडोज एक्सपी के आईपी एड्रेसेस सेट किए, विंडोज 7 के आईपी एड्रेसेस सेट किए, फिर हम सीएमडी के हेल्प से उन्हें कैसे देख सकते हैं ये हमने किया। फिर उसके बाद हमने उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चेक करने के लिए पिंग कमांड रन की। और आज की वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में बताएं, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप वहां पर टाइप करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ जो कि होगी ज्वाइनिंग ए डोमेन और टू ए विंडोज सर्वर। ओके बाय, थैंक यू।